नमस्कार साथियों, मैं चेतन आनंद एक बार पुनः कविता की पाठशाला के भाग दो में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली बार हमने जो पहला भाग एपिसोड पहला किया था, उसमें हमने सीखा कि शब्द कैसे बनते हैं और कविता में शब्दों का क्या महत्व होता है। शब्द में हमने सीखा पहले वर्ण, वर्ण के दो हिस्से स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के योग से बनते हैं अक्षर, अक्षरों के योग से बनते हैं शब्द और शब्दों के योग से आगे बनते हैं वाक्य। तो हमने शब्द रचना सीख ली, शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम कोशिश उसमें हमने की थी सीखने की, और वो एपिसोड मुझे लगता है कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो उसी से प्रोत्साहित होकर अब भाग दो के लिए हम चलते हैं। और आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, बताने आया हूं कि मात्रा गणना कैसे करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में मात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर छंदबद्ध कविताएं कर रहे हैं तो उसमें एक एक मात्रा का बहुत महत्व होता है। छंद मुक्त है तो मात्रा की कोई बात नहीं, लेकिन छंद में अगर बात करें, चाहे दोहा लिख रहे हैं, चाहे गजल लिख रहे हैं, चाहे रोला लिख रहे हैं, चाहे चौपाई लिख रहे हैं, चाहे कुछ और भी घनाक्षरी भी लिखते हैं जैसे, तो ये सब मात्राओं पर आधारित होता है। हालांकि छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक और एक वार्णिक। तो जो मात्रिक छंद होता है उसमें मात्राओं का, एक एक मात्रा का बहुत बहुत महत्व होता है। अगर एक मात्रा कम रह गई तो छंद बेकार, और एक मात्रा ज्यादा हो गई तो छंद बेकार। तो आधी मात्रा, एक मात्रा का भी बहुत विशेष महत्व होता है छंद की दृष्टि से। तो छंद की दृष्टि में अब आप आइए कि कैसे हम मात्राओं की गणना करें, किसको माने की मात्राएं क्या है। मात्राएं दो तरह की मानी जाती है हमारे हिंदी भाषा में। मात्रा एक लघु, जिसके आप एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी होती है गुरु, यानी दीर्घ, दीर्घ मतलब दो हम उसको ले सकते हैं संकेत के तौर पे। अब जैसे हमने स्वर में देखा आ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ ओ री, इस तरह से जो वोवल्स थे यानी स्वर थे हमारे, उन स्वरों में जो कम ध्वनि वाले होते हैं जैसे अ इ उ और री, ऋषि वाला री जिसमें छोटी की मात्रा लगती है, तो यानी जो लघु मात्राओं से चलते हैं या ये वाले जो व्यंजन हैं, ये जो स्वर हैं, ये सब लघु में मात्रा माने जाते हैं। बाकी जो है आपका बड़ी ही, बड़ा ओ, बड़ा ऊ और इस छोटा ओ और बड़ा ओ, ये दोनों भी दीर्घ माने जाते हैं। जो अनुस्वार से भी शुरू होती हैं जो अक्षर बनते हैं या शब्द बनते हैं, तो उसकी गणना भी दीर्घ में की जाती है। अब जैसे गगन, एक शब्द है गगन, गगन में ग, ग में क्या है कि ग में अ की ध्वनि जुड़ी होती है, अ का स्वर जुड़ा होता है, यानी व्यंजन ग है, वो हलंत है, अगर उसमें जब स्वर मिल जाता है, अ की ध्वनि जुड़ जाती है, तो वो पूरा एक अक्षर बन जाता है, पूरा वर्ण बनता है, ये उसको कहा जाता है। तो छोटे अ की ध्वनि उसमें जुड़ी तो इसलिए गगन में एक मात्रा हुई। दूसरा गगन में पहले में एक, फिर दूसरे गांव में फिर एक, ऐसी ना हलंत था तो उसमें स्वर आ की ध्वनि जुड़ी, छोटे आ की ध्वनि जुड़ी, इसलिए वो भी एक मात्रिक होगा, यानी ग ग ना, एक एक एक, तीनों को जोड़कर ये कितने मात्रिक शब्द हुआ, तीन मात्राओं का शब्द हुआ गगन, तीन मात्राओं का शब्द होता है ऐसी। अब आगे एक और उदाहरण देता हूं, दीपिका शब्द है। अब दीपिका शब्द में क्या है, दीपिका शब्द में द पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी गुरु में मानी जाती है, दो मात्रिक मानी जाती है। तो क्यों, क्योंकि इसमें बड़ी ई की ध्वनि भी है, वो जुड़ी हुई, जुड़ा हुआ स्वर जो है बड़ी ई, जो बड़ी ई जुड़ जाती है किसी अक्षर के साथ तो वो गुरु बन जाती है। तो दी, दी में द पे बड़ी की मात्रा, यानी दो मात्रिक हुआ। ऐसी प, दीपिका, प पे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा का मतलब होता है एक, लघु मात्रिक हो गया, तो दीपिका तो एक मात्रा। ऐसी का, का के साथ डंडा यानी बड़ा आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो का में जो बड़ा स्वर जुड़ जाए तो वो दीर्घ बन जाता है। मैंने बताया था ना अभी कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये एक मात्रिक हैं, और बाकी जितने स्वर हैं सभी दो मात्रिक होते हैं। तो का के साथ बड़ा आ जुड़ा है तो इसलिए वो दीर्घ स्वर हुआ, दीर्घ मात्रिक हुआ, यानी दो मात्रा का हुआ। जब दो मात्रा का हो गया, गुरु मान लिया गया उस मात्रा को, तब दीपिका
अब दीपिका में कितनी मात्राएं हुई, द पे बड़ी की मात्रा दो, दो मात्रा हुई, पा पा पे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगने से वो लघु हो गया, तो दो और एक तीन मात्राएं, वो का के साथ डंडा, आ का बड़ा आ जुड़ा हुआ है तो वो भी दीर्घ हुआ, दीर्घ हुआ तो मतलब गुरु, गुरु का मतलब दो मात्राएं, तो दो और एक तीन और दो पांच मात्राएं, तो दीपिका शब्द पांच मात्राओं का हुआ हमारे पास, ठीक है। इस तरह से और छोटा सा और आपको भेद बताता हूं आगे, इसका विस्तार करते हैं। अब ये तो चलो ठीक है, हो गए पूरे पूरे अक्षर हैं और इसमें बड़ी छोटी की मात्रा या बड़ा ऊ छोटा ऊ चढ़ा, तो हम उसमें दीर्घ यानी गुरु और लघु का भेद आसानी से जान लेते हैं कि इसमें ये लघु है और ये गुरु है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो आधे अक्षरों से जुड़ के बनते हैं, संयुक्त अक्षर बन जाते हैं, जैसे प्यार, जैसे अध्याय, जिंदगी। अब ये शब्द हैं, अब इसमें बड़ा असमंजस हो जाता है, इसमें मात्रा गणना करने में अधिकांश रचनाकार गलती कर बैठते हैं, खासतौर पर नवोदित रचनाकार। अब प्यार, अब एक बात मैं बताता हूं आपको, अगर आधा अक्षर किसी शब्द से पहले लग रहा है तो उसको जीरो मान लिया जाता है, आधा पा को जीरो, यार तो यार में या पे आकर डंडा है ना, बड़ा बड़ा आ जुड़ रहा है, बड़ा का स्वर जुड़ने से या में दो मात्राएं हो गई, और रा रा में एक आ है, छोटा आ जुड़ा है, तो छोटा आ जुड़ा है तो दो और एक तीन मात्रिक, यानी प्यार में जीरो, पा का जीरो प्लस टू दीर्घ प्लस लघु, ठीक है, जीरो गुरु लघु, यानी प्यार शब्द तीन मात्रा का हुआ। और अगर ऐसा ही ये आधा अक्षर पहले की बजाय बाद में जुड़ा हो तो जैसे अध्याय, जैसे शब्द, अब शब्द में बा जो है आधा है और बीच में आ रहा है, तो मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने मुझे ये सिखाया, उन्होंने बताया था कि आप ऐसे में क्या करें, ऐसे में अपने कानों को साधिए, कानों को साधिए और फिर शब्द को उच्चारित कीजिए, शब्द को बोलिए, शब्द अध्याय, जब ऐसे बोलेंगे तो ये देखिए कि वो जो आधा अक्षर है वो कौन से अक्षर के साथ मिलकर ध्वनि पैदा करता है, शब्द, अब जो आधा बा है वो पहले वाले श के साथ जुड़ रहा है, शब्द, तो श के साथ बा जुड़ गया और दा अकेला रह गया, तो शब्द। तो जब ऐसे अक्षर पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो उसको संयुक्त अक्षर में, तो उसको हम गुरु मान लेते हैं पहले वाले को, तो बाद वाला लघु होता है, तो शब्द में गुरु और लघु ये तीन मात्रिक शब्द है, लेकिन आधा अक्षर किससे जुड़ा, शाह के साथ जुड़ा। ऐसे अध्याय, अध्याय बोलेंगे तो जो बीच में संयुक्त अक्षर जो भी आता है वो पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ता है, लेकिन आप इसको साधिए तो अध्याय, तो अध्याय आ के साथ धा जुड़ रहा है, या और या अलग अलग है, तो आ के साथ धा जुड़ने से वो हो गया गुरु, और या के साथ बड़ा आ जुड़ रहा है तो वो हो गया गुरु, और बाद में या जो है उसमें छोटा आ जुड़ रहा है तो उसमें हो गया लघु। तो यानी अध्याय शब्द में जो है पांच मात्राएं हुई, दो दो एक, ये इसका मात्राओं का क्रम रहेगा अध्याय में। ऐसे जिंदगी, अब जिंदगी में फिर कानों को साधिए, फिर सोचिए क्या है, तो जिन ना किसके साथ जा रहा है, जा के साथ, जेट के साथ, जा के साथ, जिंदगी यानी जा के भले ही छोटी की मात्रा जुड़ी है लेकिन ना का जो अक्षर है वो जुड़ जाने से उसे हम दीर्घ मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, तो जिन द, द के साथ छोटा तो एक मात्रा, गा, गा पे बड़ी की मात्रा तो जिंदगी, तो जिंदगी में दो यानी जा पे छोटी की मात्रा और आधा ना ध्वनि, जब ये दोनों जुड़ गए तो ये गुरु हो गया, तो दो मात्रा है, दा, दा के साथ छोटा जुड़ रहा हुआ है तो ये हो गया एक मात्रा, ऐसी गा, जिंदगी, गा पे बड़ी की मात्रा, तो बड़ी क्या होती है, दो मात्रिक हुई, तो टोटल इसका क्रम क्या रहा मात्राओं का, दो एक दो, यानी दो एक दो, कुल मात्राएं कितनी होगी जिंदगी शब्द में, पांच मात्राएं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, गणना उस हिसाब से करनी है। लेकिन एक शब्द होता है भ्रम, भ्रम, भ्रम पैदा करना किसी चीज में, शंका होती है भ्रम, अब भ्रम में क्या है, रा की ध्वनि भा के साथ जुड़ रही है, भ्रम, तो भ्रम ऐसे जुड़ने से जो रा नीचे ऐसे जुड़ेगा तो उसमें एक मात्रिक माना जाएगा, तो भ्रम में दो मात्राएं होंगी, दो मात्राएं होंगी, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसी ब्रह्मा, 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 तो माँ की ध्वनि
नीचे रा जो आ रहा है वो एक मात्रिक माना जाता है, जो लेकिन आधा मा जुड़ जाने से वो हो गया दो मात्रिक, और हा के साथ बड़ा आ की ध्वनि जुड़ रही है, बड़ा आ स्वर जुड़ रहा है, तो उससे क्या हुआ ब्रह्मा, यानी दो और दो चार मात्रिक शब्द है ब्रह्मा। ठीक है, इस तरह से करना है। ऐसे ऋषि, अब ऋषि में री में मैंने क्या बताया था, छोटी की मात्रा, तो ये लघु कहलाएगा, और ऋषि शब्द भी छोटी की मात्रा आ रही है, तो ऋषि में भी एक मात्रा हुई, तो ऋषि शब्द दो मात्रिक हुआ, तो ऋषि दो मात्रिक होता। तो इसकी सिंपल गणना है, बड़ी आसान सी गणना है, इसको इस तरह से सीखना है। तो किसी भी छंद की रचना करनी है, किसी भी आपको छंद की रचना करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मात्राओं का ज्ञान आवश्यक है। मात्राओं के ज्ञान से पहले क्या चाहिए, शब्द, शब्द की अनुकूलता, शब्द कैसे बना हमने ये सीखा, शब्द कविताओं में कैसा महत्व रखता है हमने ये सीखा, और आज मैं जो बता रहा हूं वो है मात्रा हुआ ज्ञान। छंद के लिए, छंदबद्ध रचना लिखने के लिए, गजल लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए, चौपाई लिखने के लिए, है ना, दोहा लिखने के लिए, रोला लिखने के लिए, सवैया लिखने के लिए, तो वार्णिक छंद में तो वर्णों के हिसाब से गणना हो जाती है, लेकिन मात्रिक छंद में जो है वो मात्राओं के हिसाब से होती है, तो इसलिए मात्राओं का विशेष ध्यान होता है। दोष, जैसे अब आप कोई भी एक दोहा पढ़ ली, गर्म तेल तन में लिए सिर पर रख कर आग, मेरा ही दोहा है, तो ये देखिए, गर्म तेल तन में लिए सिर पर रख कर आग, डटकर तम के सामने जलता रहा चिराग। तो इसका अब लगाइए, मात्रा गणना करनी है तो पहली लाइन में कितनी मात्राएं हैं, हालांकि दोहे में चार, वो आगे मैं बताऊंगा अगली पाठशाला में इस पूरे दोहे पर कि कैसे दोहा लिखना चाहिए, लेकिन मात्राओं के हिसाब से चार चरण इसके कर लेते हैं हम दोहे के, जिसमें 13-11, 13-11 के चार चरण होते हैं, लेकिन गर्म तेल तन में लिए, अब गर्म तेल तन में लिए इस पंक्ति को केवल इतनी ले लो, बाकी छोड़ दो भले, तो गर्म तेल तन में लिए, अब गर्म, गर्म रा, गा के साथ रा की ध्वनि जा रही है, तो गर्म, तो दो एक मात्रा हुई, तो गर्म में तीन मात्रे, तेल ता पे एक ही मात्रा आई, तो ता जो है दीर्घ हो गया, दीर्घ होने से वो हुआ गुरु, तेल ला, ला लघु, ठीक है, तो गर्म तेल तीन और तीन छह, छह मात्रा ऐसे, तन ता और ना इसमें कोई मात्रा नहीं जुड़ रही, लेकिन आ की ध्वनि दोनों में जुड़ रही है, ता में भी और ना में भी, क्योंकि स्वर और व्यंजन के जुड़ने से ही अक्षर बनते हैं, यानी पूरा वर्ण बनता है, तो आ की ध्वनि तो स्वतः है ही, नहीं तो व्यंजन हलंत होता है, का जो है वो तब तक हलंत है जब तक स्वर की ध्वनि उसमें नहीं जुड़ती, और वो आ की ध्वनि जब जुड़ती है तो पूरा का बनता है, तो तन ता पे आ की ध्वनि और ना पे भी आ की ध्वनि, दोनों ही लघु हैं, आ छोटा है तो लघु हुआ, तो तन में दो मात्रे, में पे एक ही मात्रा जा रही है, एक ही मात्रा हमेशा दो मात्रिक होगा, तो में दो मात्राएं हैं, तन में लिए, ला पे छोटी की मात्रा जा रही है, तो लिए में छोटी की मात्रा आने से लघु गिना जाएगा, और यहाँ पे एक ही ध्वनि आ रही है तो इसलिए हो गया ये गुरु, तो तेल, गर्म तेल तन में लिए, लिए में हो गया गुरु, लघु और गुरु, ये तीन मात्राओं का शब्द हुआ, ये बहुत जरूरी है। अधिकांशतः मैं देखता हूं जो बच्चे आजकल के जो कविताएं लिख रहे हैं उन्हें हिंदी का बहुत कम ज्ञान है, उसका कारण है घर में हिंदी का माहौल तो है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं, स्कूलों में जाते तो हम अंग्रेजी स्कूलों में जाके पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में, वहाँ हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञान आपको नहीं दिया जाता, आपका सारा काम अंग्रेजी में होता है। अब मैं कई बच्चों को ये देखता हूँ कि वो हिंदी की कविताएं तो लिखते हैं लेकिन जब लिखते हैं उसकी लिपि जो है वो अंग्रेजी में होती है, वो अंग्रेजी में लिखते हैं, तो गर्म तेल तन में लिए तो GARAM गर्म तेल TEL तेल ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे में मात्राओं का ज्ञान नहीं आएगा, हिंदी में लिखो। अब कई लोग ऐसे लिखते हैं कि राज ने कहा कि वो वहां जा रहा था, अब राम ने कहा तो लिख दिया ठीक है, कि मैं ये नहीं पता चलता उसे बड़ी बात ई लगानी है या छोटी ई लगानी है, अधिकांश तौर पे रचनाकार नवोदित कवि का पे बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, उससे वो दीर्घ मान लिया जाता है, जबकि राम ने कहा कि छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा जब लगेगी तो छोटी से वो लघु मात्रिक हो जाता है, एक मात्रिक शब्द हो जाता है, है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो पहले अपनी लिपि को सुधारिए, अक्षरों का सही ज्ञान हो, शब्दों का सही ज्ञान हो कि आपने शब्द को कैसे लिखना है, उसकी सही लिपि क्या है, उसके आधार पर जब लिखोगे तभी उसकी गणना सही होगी। आपने अगर की में बड़ी की मात्रा लगा दी, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, तो इसमें आप दो मात्रा गिन जाओगे,
जब दो मात्रा गिन जाओगे तो एक मात्रा का हेर फेर आ जाएगा, तो आपका लिखा हुआ छंद सारा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए लिपि का विशेष ध्यान रखना है, किस शब्द की कैसी बनावट है उसका ज्ञान होना चाहिए आपको, और उसके बाद फिर मात्रा की गणना भी आनी चाहिए। उसका नियम केवल यही है जो मैंने आपको बताया है, बहुत आसान है। स्वर जितने हैं उसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री, ये जो स्वर हैं ये एक मात्रिक हैं, बाकी जितने भी व्यंजन है वो स्वर हैं वो सारे के सारे दो मात्रिक हैं, यानी उसको दो मात्रिक को बोलते हैं गुरु और एक मात्रिक को बोलते हैं लघु। तो ये मेरा विशेष आज के आपके लिए है, और इसके अलावा ज्यादा नहीं सोचना। जो संयुक्त अक्षर हैं, अगर वर्ण से पहले अक्षर से पहले आ रहे हैं, जैसे प्यार में पा आधा पहले आ गया तो उसको हम जीरो मान लेंगे, और अगर बाद में आता है तो पहले वाले के साथ उसकी ध्वनि जुड़ जाती है, ठीक है। जो पहले वाला आएगा वो जीरो है, उसकी गिनती बिल्कुल नहीं होगी, और जो बाद वाला बीच में आ रहा है, जैसे अध्याय में था आधा बीच में आ गया था, तो वो आ के साथ जुड़ता है, तो आ के साथ जुड़ने से वो बन जाता है गुरु, दो मात्रिक आ जाएगा। ये विशेष ध्यान, ठीक है। ट्री आर्ट के यूट्यूब चैनल पर कविता की पाठशाला में और उसके दूसरे एपिसोड में विशेष तौर पर हमने सीखा कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, कौन सा अक्षर कौन सी मात्रा जुड़ने से लघु हो जाता है और कौन सी मात्रा जुड़ने से गुरु हो जाता है, किस शब्द में कैसे उसकी मात्रा गणनी चाहिए गणना करनी चाहिए, यह मैंने आपको सिखाया। अगले एपिसोड में फिर भेंट होगी, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हमने कविता की पाठशाला का एपिसोड दूसरा दिया, आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितने नए लिखने वाले हैं उनको ये बातें अगर आप बताएंगे तो वास्तव में हमारे हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा उसको, और अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें जानकारियां जाननी आवश्यक है। अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेकर आऊंगा। मैं डॉक्टर चेतन आनंद आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।